फ्रेंड्स देखें कितनी ज़्यादा स्टीप हाइट है जो हम गेन करते हुए आ रहे हैं, वो वहाँ होटल से। और हमारे लिए यहाँ पर एक मोटिवेशन नज़र आई है, वो है ये चाचा। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? ठीक है। चाचा का एक टांग है और माशाल्लाह ये इधर से आ रहे। चाचा किस साइड से आ रहे हो? झील से, कटोरा लेक से। माशाल्लाह, तो आप तो एक टांग के सहारे आ रहे हो, हमसे तो दो टांगों से चढ़ना मुश्किल हो रहा है। फ्रेंड्स डिसाइड ये किया है कि भाई लगाऊंगा मैं छलांग, जो भी होगा देखी जाएगी। वैसे भी मेरे ये कपड़े अभी मैं गिरा था तो गंदे हो गए हैं, तो छलांग लगानी बनती है, फिर पता नहीं ज़िंदगी में कब आना है कब नहीं। तो दिखाते हैं आपको यहाँ की डाइव। भाई जान अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हैं हम यहाँ पर जाज बांडा में। ये है जी जाज बांडा का व्यू और यहाँ पर काफ़ी आपको होटल्स वगैरह मिल जाते हैं। ये होटल है जी, यहाँ पर हम रुके हुए थे रात को और आज हम ट्रैक शुरू कर रहे हैं अपना कटोरा लेक की तरफ। फाइनली जो हमारा इंतज़ार था वो हमारा एंड होने वाला है। उसके रीज़न के कटोरा का जाने का हमारा प्लान बहुत देर का था लेकिन जा नहीं पाते थे। आज हम जा रहे हैं जी, बिल्कुल अकेले ट्रैकिंग करेंगे इंशाल्लाह और आपको दिखाते हैं रास्ते के सीन्स, रास्ता कैसा है और कहां से आपने जाना होता है, किस तरफ जाना होता है और रास्ते में आपको क्या क्या मुश्किलात मिलती हैं और कितनी देर में आप पहुंचते हैं। अभी टाइम हुआ है 9:45 का, यानी कि 9:45 हो गए हैं। तो यहाँ के मुकामी लोग तो कहते हैं 2 घंटे में इजीली किया जा सकता है, लेकिन हम देखते हैं हमारा लोकल जो हमारे लोग आते हैं उनका कितना टाइम लगता है। सो फ्रेंड्स ये है जी यहाँ पर सारे का सारा ये जाज बांडा और यहाँ पर होटल काफ़ी बने हुए हैं। अलबत्त आपको होटल तो चीप प्राइस में मिल जाते हैं लेकिन यहाँ पे खाना आपको थोड़ा एक्सपेंसिव मिलेगा क्योंकि जो ट्रैवलिंग के एक्सपेंस है वो मैटर करता है। यहाँ तक पहुँचना इतना मुश्किल है और सारा सामान पहुँचाना इतना मुश्किल है, इसलिए ज़रा यहाँ पर एक्सपेंसिव मिलता है। आपको यहाँ पर 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक रूम ईजिली मिल जाएगा और कैंप वगैरह भी आपको 500 तक यहाँ पर मिल जाएगा 2 बंदों के लिए। अगर आप 5 लोग हैं तो फिर आपको 1000 रुपये तक। तो हमारे साथ है जी यहाँ पर, हमारे पास ये है हमारी रेनकोट और साथ में कुछ स्नैक्स हैं, वाटर बॉटल है और ये एक स्टिक है जो हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी हमारे इस ट्रैक के ऊपर। तो बिस्मिल्लाह करके हम अपना ट्रैक शुरू कर रहे हैं और देखते हैं हमारा सफ़र कैसा रहता है और आपको भी दिखाते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, जब आप ट्रैक स्टार्ट करें तो आपने अपने होटल से निकल के आपने अपना समय लेके लेफ्ट साइड रखनी है। लेफ़्ट साइड रखेंगे, आगे रास्ते में आपको एक वो येलो छत वाला और साथ में इस तरफ ये रेड छत वाला आपको होटल नज़र आएगा। आपने इस तरफ इसको फॉलो करते हुए जाना है और दरिया के साथ साथ जाना है। ये जो सामने आपको 2 बड़े पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इनके दरमियान में आगे जाके है जी कटोरा लेक। तो चलते हैं और आपको साथ साथ रास्ता गाइड करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर कटोरा लेक के अलावा इस तरफ भी एक आबशार आती है जो कि बहुत ही खूबसूरत आबशार है। अगर आप लोग उसको भी विज़िट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आज का हमारा जो व्लॉग है वो है कटोरा लेक की तरफ। तो हम जा रहे हैं कटोरा लेक। यहाँ तक जब आप आ जाएं ये येलो होटल की सीट के ऊपर, तो यहाँ से आप नीचे दरिया के साथ साथ भी जा सकते हैं और उसके अलावा ये वाला सामने वाला पहाड़ क्रॉस करके भी जा सकते हैं। तो ये वाला इधर से मेरे सामने था रास्ता, इसलिए मैं इधर से ही हो गया हूँ। और उसके अलावा वो सामने कुछ लोग जा रहे हैं कटोरा लेक की तरफ, तो मैं भी उनको फॉलो करते हुए जा रहा हूँ। ये मैं ट्रैक कर रहा था तो यहाँ पर मुझे कुछ पख्तून भाई मिले हैं, वो कह रहे हैं भाई अकेले हो? मैंने कहा हाँ जी। कहते अकेले नहीं, हम सब आपके साथ हैं जी। और माशाल्लाह मेहमान नवाज हैं, आते साथ ही भाई ने ये दिया है जी हमें एप्पल खाने के लिए और अभी हम ट्रैक करेंगे इन लोगों के साथ। ठीक है भाई चलें। चलो फ्रेंड्स देखें कितनी ज़्यादा स्टीप हाइट है जो हम गेन करते हुए आ रहे हैं, वो वहाँ होटल से। और हमारे लिए यहाँ पर एक मोटिवेशन नज़र आई है, वो है ये चाचा। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? ठीक है। चाचा का एक टांग है और माशाल्लाह ये इधर से आ रहे। चाचा किस साइड से आ रहे हो? झील से, कटोरा लेक से। माशाल्लाह, तो आप तो एक टांग के सहारे आ रहे हो, हमसे तो 2 टांगों से चढ़ना मुश्किल हो रहा है। हमारा सांस देखो कितना फूल रहा है। और आपकी हिम्मत को सलाम है चाचा, सलाम है आपकी हिम्मत को। माशाल्लाह ये है फ्रेंड्स
हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी मोटिवेशन जो कि ये चाचा है, ये यहाँ के लोकल है। बजाय दो टांगों के एक टांग है इनके पास, तो फिर भी ये शुक्र अल्लाह का अदा करते हैं, सांस तो चल रही है और हिम्मत करके ये झील से होके आ रहे हैं। जो लोग बहाने करते हैं इस झील तक जाने के लिए पैदल, उन लोगों के लिए ये बड़ी मोटिवेशन है। एटलीस्ट हमारे लिए ये बड़ी मोटिवेशन है। मैं जिस तरह से चलता हुआ आ रहा हूँ, मेरी सांस और ये पसीना, ये देखें ज़रा किस तरह से पसीना आ रहा है। और हिम्मत है चाचा, चाचा एक मरतबा फिर से आपकी हिम्मत को सलाम है चाचा। बहुत शुक्रिया जी। मौसम इस कदर ठंडा है कि अगर बैठ जाओ तो सर्दी लगती है। ट्रैक के ऊपर पसीना बहुत ज़्यादा, स्वेटिंग हो रही है और ट्रैक इतना हार्ड है। अभी हम बैठे हैं यहाँ पर, पानी शानी पियेंगे फिर हम आगे निकलेंगे 2 मिनट सांस लेने के बाद। फ्रेंड्स अभी हम ट्रैक करते हुए आ रहे हैं और आपने पानी के साथ साथ नहीं जाना, बल्कि ये जो आपके लेफ़्ट साइड पे पहाड़ आता है उसके बिल्कुल साथ साथ जाएंगे। ट्रैक बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है और आसान ट्रैक है। बहुत सारे लोग इसी ट्रैक के ऊपर जा रहे हैं और ये पीछे काफ़ी फैमिलीज़ भी इसी ट्रैक के ऊपर आ रही हैं और हम भी इसी ट्रैक के ऊपर जा रहे हैं। तो ये है भाई आप लोगों के लिए गाइडलाइंस। अगर आपके ट्रैक के ऊपर वो सामने आपको एक सीजनल होम बना हुआ नज़र आए तो समझ लें कि आप बिल्कुल सही रास्ते के ऊपर हैं। और ये रास्ता बना हुआ है, इस तरह से निशानात बने हुए हैं, आपने इसी को फॉलो करते हुए आना है और आपके लिए आसानी रहेगी। ये फ्रेंड जब आप थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, ये आपको पहाड़ के ऊपर पीटीआई का झंडा यहाँ पर लगा हुआ है और ये रास्ता बना हुआ है, इस रास्ते से आपने जाना है। और इस रास्ते से आप जाएंगे आगे तो आपको छोटा मोहडन मिलेगा, वहाँ से आपने कश्ती से क्रॉस करके जाना होता है। अगर आप कश्ती के थ्रू नहीं जाना चाहते तो ये रास्ता, ये ऊपर वाला, ये जो थोड़ा सा स्टीप है, सख्त है, तो इस तरफ से भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर कश्ती 200 रुपये लेती है भाई, जी 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 200 रुपये वन साइड का लेती है। तो हम जा रहे हैं उस तरफ से, थोड़ा आसान करेंगे अपने ट्रैक को, तो देखते हैं आगे। सो फ्रेंड्स फाइनली हम आ गए हैं यहाँ पर छोटा कटोरा में। मैं पहले शायद बता रहा था आपको छोटा मोहडन, पर मोहडन नहीं है, छोटा कटोरा है। ये है छोटा कटोरा लेक और बहुत ही खूबसूरत लेक है ये भी। इससे आगे आएगी बड़ा कटोरा, तो यहाँ से अभी हम जाएंगे किश्तियों के थ्रू दूसरी तरफ। 200 रुपीज़ है पर हेड चार्जेस। तो दिखाते हैं आपको यहाँ पर इस लेक के नज़ारे। फ्रेंड्स फाइनली हमारा आ गया है जी एंडिंग पॉइंट और स्पेशल थैंक्स टू बोटिंग कैप्टन, उन्होंने हमें पूरा ये लेक का चक्कर करवाया। और ये भाई है साथ में हमारे यहाँ के लोकल, ये बता रहे हैं कि आपको कोई भी नहीं करवाएगा। फ्रेंड्स वो सामने है जी छोटा कटोरा लेक और हम यहाँ से होते हुए आ रहे हैं। ये भाई थोड़ा रास्ता गाइड कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? थोड़ा नजदीक आ जाओ। शुक्रिया अल्लाह इधर के ना। हाँ अब मुझे बताए कैमरे में थोड़ा सा, हमारे जो विजिटर आते हैं उनको रास्ते के बारे में गाइड करें यहाँ से। जी रास्ते तो वो टेंट जो नजर आ रही है वहाँ से किश्ती में बैठेगा ना जी, तो इस किनारे तक किश्ती लेके आ रही है। सही है, किश्ती से फिर ये किनारे का ये रास्ता ऐसा पकड़ के जो है ना, इधर से सीधा सीधा जहाँ हम लोग खड़ा हुए हैं यहाँ से सीधा जाएगा तो कटोरे पे जो है ना आसानी से पहुँच जाते हैं। जबरदस्त, यहाँ पर मतलब ऊपर वाली साइड से पहुँचते हैं, ऊपर वाली साइड से। इधर से जो है ना अक्सर लोग वहाँ से, हम लोगों ने इसको वो वाले रास्ते वो चढ़ाई है थोड़ा सा। हाँ वो लोग जा रहे हैं। सही, वो दरिया के साथ साथ, दरिया के साथ साथ ये चढ़ाई है, ये इधर से जाएगा तो ये चढ़ाई भी खत्म हो जाएगा। इधर से मतलब कि ये यहाँ तक चढ़ाई है, वो जो ग्रीन टॉप नजर आ रहा है। सही हो गया, तो यानी कि यहाँ पर अगर इस तरफ से चढ़ाते हैं तो एक तो नज़ारा भी खूबसूरत आता है, बहुत खूबसूरत, और दूसरा ये जो पत्थर वाला रास्ता है इसको हम इधर से आसानी से क्रॉस कर जाते हैं। थोड़ा स्टीप जरूर है लेकिन ये है कि आप आराम आराम से सही चढ़ाते हैं। जी। सो फ्रेंड्स ये रास्ता है जी, अभी हम इस रास्ते के ऊपर बैठे हुए हैं और यहाँ से यकीन माने व्यू भी बहुत औसम आ रहा है। लोग जा रहे हैं नीचे वाले रास्ते से दरिया के बिल्कुल साथ साथ, लेकिन वहाँ से ज़रा ज़्यादा वो पत्थर आते हैं रास्ते में तो उस वजह से मुश्किल होती है। अभी हम ये ग्रीन वाले रास्ते से जा रहे हैं और खूबसूरत नज़ारों को इन्जॉय कर रहे हैं।
ये है जी सुभान अल्लाह इस हाइट से नज़ारे। थोड़ा सा आगे जाते हैं, आगे सीनरी ओपन हो जाएगी तो आगे जाके आपको दिखाते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम चढ़ाई की तरफ जा रहे हैं। जब आप भी चढ़ाई की तरफ जा रहे हो तो अल्लाह अकबर पढ़ा करें। और माशाल्लाह हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह अकबर का विर्द कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अभी नीचे का व्यू चेक करें, सुभान अल्लाह किस कदर साफ शफाफ पानी की नदियां बह रही हैं, झरने बह रहे हैं। फ्रेंड्स लोग जा रहे हैं वो नीचे से और हम जा रहे हैं ऊपर से। हम बहुत ही करीब हैं, पहुंच के आपको दिखाते हैं यहाँ का खूबसूरत तरीन नज़ारा। सो फाइनली माशाल्लाह सुबहान अल्लाह वी आर एट द कटोरा लेक, मोस्ट ब्यूटीफुल लेक इन द वर्ल्ड। अगर मैं ये कहूँ तो ये बात झूठ नहीं होगी। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जी अमानुल्लाह भाई, क्या कहना चाहेंगे इस जगह के बारे में? भाई बस आपके सामने पड़ा हुआ है ना, आप देखो ना हम क्या बताएगा। सुबहान अल्लाह, हम तो यही कहेंगे ये है दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन लेक। और आप जैसे भाइयों साथ में तो बहुत जल्दी यहाँ तक पहुँचा जा सकते हैं। अभी हम टाइम देखते हैं कितना हुआ है। मैं वहाँ से निकला था 9:45। अच्छा ठीक है, अभी टाइम देखते हैं 12:09 में। सुबहान अल्लाह यार, हम अच्छा। तो सवा दो घंटों में पहुंच गए यार। अगर मैं अकेला आता तो मेरे 4 घंटे पक्के थे। अच्छा, क्या ख्याल है? ऊपर वाले रास्ते से आया ना ये, तो नजदीक है ये रास्ता। सही, तो आप जब लोगों को बताते हैं कि इधर से जाएं तो लोग क्या कहते हैं? मुश्किल पड़ रही है, लोग कहते हैं ये गलत गाइड कर रहे हैं। लेकिन भाई ये व्लॉग आप लोगों के सामने है, माशाल्लाह रास्ता बहुत अच्छा गाइड किया। और कसम खुदा की ये मुझे यकीन नहीं था कि मैं इतनी जल्दी कर पाऊंगा। मैंने एस्टिमेट टाइम लिया हुआ था 3 घंटे का। मेरा पसीना देखे कितना ज़्यादा आ रहा है, इसकी वजह के रास्ता थोड़ा स्टीप था, लेकिन बहुत जल्दी पहुंच गए यार। ये मेरे साथ मुकामी लोग ना होते तो मैंने इतनी जल्दी कभी भी नहीं था कर पाना। और स्पेशल मैं थैंक्स कहना चाहूँगा अमानुल्लाह भाई का। अमानुल्लाह भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं भी स्पेशली आपको दावत देता हूँ, आप अगर आएँ लाहौर में या कोई हमारे लायक कोई खिदमत हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, मैं आपको अपना कार्ड दे के जाऊँगा। और अभी आपको दिखाते हैं जी ये बहुत ही खूबसूरत लेक के नज़ारे। फ्रेंड्स हमारे साथ कुछ यहाँ पर लॉरी बॉयज हैं, तो उनसे भी थोड़ा सा बात करते हैं, रिव्यूज लेते हैं इस लेक के अबाउट। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? नुमान भाई, कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग कसूर से आए हैं। कसूर से? सही, लाहौर के साथ ही है कसूर। तो कैसा रहा आपका सफर? पीछे तक तो हमें लगा कि बिल्कुल कोई ना वो नहीं है, पॉइंट नहीं आ रहा थल तक, वो रोड खराब था। अच्छा, थल से आगे हम आए हैं तो काफी मजा आ रहा है। और यहाँ पे आगे जो हमारे पैसे, इस ट्रैक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ट्रैक बड़ा जबरदस्त ट्रैक है, सबको आना चाहिए मेरे ख्याल से। कितनी देर लगी आपको ये ट्रैक करते हुए? 2 घंटे लग गए जहाज बांडा से यहाँ आते तक। अच्छा, जहाज बांडा से आते हुए तो कैसा रहा आपका? मुश्किल था, आसान था? मुश्किल ही था, हमने बैग भी कैरी किया हुआ था। नीचे छोटी कटोरा आती है वहाँ पे किश्ती से, हाँ क्रॉसिंग ड्रैग करके आए हैं। अच्छा, इसका शौक भी था तो इस वजह से हमने कहा कि चलो ये जबरदस्त। वैसे अगर आप कश्ती से करते तो थोड़ा और आसान हो जाता, उसमें हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा, हमें आधे घंटे में हम वहाँ से। वैसे फैसिलिटी है बोट की? हाँ। तो ओवरऑल इस लेक के बारे में क्या कहना चाहोगे? बाकी लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के एक तो, और लेक जो है ना बहुत मजे की लेक है, बहुत खूबसूरत लेक है रती गली, और ये मेरे ख्याल में बहुत मजे की लेक है पाकिस्तान। मैं कहता हूँ कि सबसे फेवरेट और सबसे अमेजिंग लेक है ना पूरे पाकिस्तान में वो ये है। और इसका पानी भी बड़ा जबरदस्त है यार, इसका व्यू भी बहुत जबरदस्त है और ऊपर से क्रिस्टल लाइक वाटर है और बड़ा मजे का, अगर हमने पिया भी है पानी तो बड़ा मजे का पानी, माशाल्लाह वाकई में बहुत मजे का है। फ्रेंड्स मेरा इस कदर दिल कर रहा है ना इस लेक में छलांग लगाने का, लेकिन ऊपर से एक तो बारिश हो रही है, दूसरा मेरे पास शॉर्ट नहीं है, अगर शॉर्ट होता तो इस लेक में हम छलांग लगाते। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ओके जी, और फ्रेंड्स ये थे हमारे साथ गुल रहमान भाई, और इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी और ये मेरा सारा सामान उठा के लेके आए। और यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट आते हैं सबको ये गाइड करते हैं और चार्जेस भी इतने ज़्यादा नहीं लेते हैं। आपसे मैं भाई शुक्रिया अदा करना चाहूँगा गुल रहमान भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स डिसाइड ये किया है कि भाई लगाऊंगा मैं छलांग, जो भी होगा देखी जाएगी।
वैसे भी मेरे ये कपड़े अभी मैं गिरा था तो गंदे हो गए हैं, तो छलांग लगानी बनती है, फिर पता नहीं ज़िंदगी में कब आना है कब नहीं। तो दिखाते हैं आपको यहाँ के डाइव। ये स्टार्ट बंद कर दूं। फ्रेंड्स इस कदर ठंडा पानी था ना, ओह माय गॉड, यकीन माने मैं डाइव करते साथ ही मैंने बाहर निकलने की मैंने कहा बस हमारी डाइव तो होगी। फ्रेंड्स नाउ वी आर गोइंग इन द कटोरा लेक, ओह माय गॉड। एंजॉय हो रहा है यहाँ पे, बहुत मजा आ रहा है, मजा आ गया। हाँ जबरदस्त, कैसे लगा? बहुत जबरदस्त, सुभानअल्लाह माशाल्लाह। फ्रेंड्स लेक के इस तरफ आके बहुत ही ज्यादा मजा आया, और स्पेशली थैंक्स अमानुल्लाह भाई का और गुल रहमान भाई का और बाकी पख्तून भाई का, और साथ में हमारे पंजाबी दोस्त भी हैं लाहौर के। अभी फ्रेंड्स इस लेक को करते हैं जी गुड बाय और निकलते हैं अपने वापसी के सफ़र की तरफ। हमारा वापसी का सफ़र जो है वो है तकरीबन 5 घंटों का, क्योंकि हमने ये कटोरा से बिल्कुल नीचे टकी टॉप से भी नीचे जाना है जहाँ पर बाइक्स पार्क की हुई हैं। तो होपफुली आपने इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा, अगर आपने इस व्लॉग को एंजॉय किया है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।